और लखनऊ से संकेत मिश्रा हमारे साथ में जुड़ गए हैं, वाराणसी से उपेंद्र द्विवेदी जुड़ गए हैं, मेरठ से उमेश श्रीवास्तव जुड़ गए हैं, साथ ही झांसी से हमारे साथ में अश्वनी मिश्रा जुड़ गए हैं। सबसे पहले राजनीति के एपिसेंटर चलते हैं लखनऊ। संकेत, एक बार फिर से बीजेपी का बोलबाला उत्तर प्रदेश में नजर आ रहा है। 80 में से 80 सीटें जीतने का दावा कर रही थी बीजेपी, लेकिन अगर हम मेगा एग्जिट पोल की बात करें तो उसमें भी बीजेपी को बंपर जीत मिलती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल, जाहिर सी बात है कि जो एग्जिट पोल की अगर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। और भारतीय जनता पार्टी जहां मिशन 80 का लक्ष्य लेकर उत्तर प्रदेश में काम कर रही थी, चाहे वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ताबड़तोड़ सभाएं कर रहे थे, जनसभाएं रैलियां कर रहे थे, और इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन है वो जमीनी स्तर पर जुटा हुआ था, चाहे वो महामंत्री संगठन धर्मपाल हो या भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष भूपेन चौधरी हो या फिर दोनों डिप्टी सीएम हो, सभी जुटे हुए थे। और भारतीय जनता पार्टी की पूरी कोशिश थी कि मिशन 80 के लक्ष्य को पूरा किया जाए, और यही वो वजह है जो एग्जिट पोल आ रहे हैं उसमें जाहिर सी बात है कि भारतीय जनता पार्टी को अब तक की सबसे बड़ी बढ़त उत्तर प्रदेश में मिल रही है। और उत्तर प्रदेश वो राज्य है जहां से दिल्ली का रास्ता तय होता है, तो उत्तर प्रदेश में ये सीटें जो दिल्ली की गद्दी पर जो वही बैठेगा जिसको उत्तर प्रदेश चाहेगा, और उत्तर प्रदेश में जो बढ़त है वो बड़ी बढ़त है भारतीय जनता पार्टी के पास में। और भारतीय जनता पार्टी लगातार चुनावी अभियानों में जिस तरीके से जुटी रही, जो एक नया वोट बैंक उभरा वो होता लाभार्थी वर्ग, और जो भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी बात है कि जो महिलाओं ने सबसे ज्यादा वोट किया है। मेगा एग्जिट पोल है, ये विपक्षी पार्टियों की टेंशन कहीं ना कहीं बढ़ाने वाला है। चलिए वाराणसी चलते हैं, उपेंद्र द्विवेदी हमारे साथ में जुड़ गए हैं। उपेंद्र, एक बार फिर से मोदी का मैजिक चल गया? बिल्कुल, देखिए मैजिक चल गया है, और लोग क्या सोचते हैं न्यूज 18 के सबसे बड़े साइंटिफिक सर्वे पर, उस पर भी हम लोगों से बात करते हैं, क्योंकि लोग लगातार न्यूज 18 देख रहे हैं, और जिस तरीके से सर्वे में एनडीए एक बार फिर सरकार बनाती दिख रही है, तो उस पर हम लोगों से बात कर लेते हैं। सर, जिस तरीके से एक बार फिर आपने न्यूज 18 का सर्वे देखा, आपको कितना लगता है कि एग्जिट पोल ही जो है एक्यूरेट पोल होगा? ये बिल्कुल एक्यूरेट पोल होगा, क्योंकि आप लोगों को मैंने देखा है पिछले 3 महीने से लगातार फील्ड में काम करते हुए, पूरे राष्ट्र में मीडिया के लोग करते हैं और आप ही लोग की रिपोर्ट के बेसिस पे वो करते हैं, आपका आकलन बिल्कुल सही होगा। मैं पहले भी कह रहा था, मैं तो 430 के आसपास संभावना बता रहा हूँ। मुझे पूरी उम्मीद है कि मोदी जी के प्रति जनता में अपार श्रद्धा है, अपार प्रेम है, और हम 430 के ऊपर जाएंगे। और एक मैं आपको अभी से बता रहा हूँ, आपको एक निमंत्रण आने वाला है 4 जून को, आपको अखिलेश और राहुल के यहाँ से एक निमंत्रण आएगा, और जिस 3 तलाक का वो लोग इतना विरोध करते रहे, आपको वो बुलाएंगे, और 4 जून की शाम को राहुल और अखिलेश के बीच 3रा तलाक फिर से होने जा रहा है। तो ये जनता की अपनी राय है, और वो न्यूज 18 का जो एक्यूरेट एग्जिट पोल है उस पर बात कर लेते हैं। सर, एक बार फिर न्यूज 18 के एग्जिट पोल पर सरकार बनाने जा रही है बीजेपी, क्या लगता है ये एक्यूरेट पोल रहेगा? यही रहेगा, बिल्कुल बिल्कुल रहेगा। मोदी जी की कार्यशैली और मोदी जी के जो कार्य किए गए उस पर जनता ने खुलकर वोट दिया है, और 400 पार होके रहेगा। तो आपको भी लग रहा है आपको भी लग रहा है ये एग्जिट पोल सही रहेगा? देखिए, कभी कभी घबरा जाता है, अब आने वाले समय में 4 तारीख को पता चलेगा कि किसकी सरकार बन रही है। सपा वाले यही सबको बोलने का वो है, 4 तारीख को पता चलेगा कि किसकी सरकार बन रही है। 4 तारीख को पता लगेगा इनको, ऐसे पता नहीं था। अब इन लोगों को 4 तारीख को पता लगेगा, जो कि पूरी जनता को पता है कि मोदी जी 400 पार हैं। हाँ, और कल के आप लोग के न्यूज के अपडेट में पता लग चुका है। खराब हो गया है, ईवीएम लूट लिया गया, ईवीएम को भाई साहब क्या लगता है जो एग्जिट पोल आया है इसमें एनडीए सरकार बनाते दिख रही है, लग रहा है कि यही रहेगा 4 जून को? उससे प्लस ही सीट आएगी। आप तो कह रहे हो उससे प्लस ही आएगी, आपसे भी बात कर लेते हैं, क्या लगे आपको, क्या लगता है इस एग्जिट पोल? देखिए, वो तो जो होना था 400 पार हो ही गया, और कल हमारे नगाड़ा मिठाई ऑलरेडी बटी चुका है, वो हमारे इसमें अजय भाई भी खाए। उपेंद्र, बनारस की जनता ने तो रिजल्ट एक तरह से डिक्लेयर कर दिया है, मोदी का मैजिक बनारस में खास करके देखा जाता है, लोगों में काफी ज्यादा कहते हैं कि लोकप्रियता भी है, लोग प्यार भी बहुत ज्यादा करते हैं बनारस की जनता प्रधानमंत्री को। अब चलिए मेरठ चलते हैं, जहां से उमेश श्रीवास्तव हमारे साथ में जुड़ गए हैं। उमेश, हालांकि रिजल्ट के लिए हमको 4 तारीख का इंतजार करना होगा, लेकिन एग्जिट पोल ने काफी हद तक तस्वीरें साफ कर दी है, आपके आसपास भी कई सारे लोगों को मैं देख पा रही हूँ, जरा उनसे भी रिएक्शन लीजिए इस पर। जी देखिए, लोकसभा चुनाव संपन्न हो चुके हैं, और अब बारी
परिणामों की है। 4 जून को असली परिणाम आएंगे, लेकिन न्यूज 18 के साइंटिफिक सर्वे में, न्यूज 18 के मेगा एग्जिट पोल में एनडीए की सरकार तीसरी बार बनती हुई नजर आ रही है। हम सीधा लोगों से रूबरू होते हैं और जानते हैं कि एग्जिट पोल को लेकर वो क्या राय रखते हैं। आप क्या कहेंगे, न्यूज 18 का मेगा एग्जिट पोल हुआ है, साइंटिफिक सर्वे हुआ है, और इस साइंटिफिक सर्वे में एनडीए तीसरी बार सरकार बनाती हुई नजर आ रही है, मोदी सरकार तीसरी बार बनती हुई नजर आ रही है पूर्ण बहुमत के साथ, कैसी राय रखते हैं आप इस एग्जिट पोल को लेकर? जी हाँ, आपकी बार तीसरी बार मोदी सरकार आई है, लेकिन हम तो छात्र हैं, हमारा तो हमेशा का मुद्दा रहा है रोजगारी, और जिस प्रकार एग्जिट पोल में और सामान्य पोल में ज्यादा अंतर नहीं रहता है, तीसरी बार फिर मोदी सरकार बने बहुत खुशी की बात है, लेकिन सबसे ज्यादा जो खुशी हमें तब होगी जब हमारा रोजगार का मुद्दा हल होगा। एग्जिट पोल आपने भी देखा होगा, अलग अलग सर्वेज हुए हैं, और न्यूज 18 के साइंटिफिक सर्वे में, न्यूज 18 के साइंटिफिक मेगा एग्जिट पोल में सरकार तीसरी बार बनती हुई नजर आ रही है, मोदी सरकार तीसरी बार बनती हुई नजर आ रही है, क्या राय रखते हैं, और एग्जिट पोल ही एग्जैक्ट पोल साबित होने वाले? जहाँ तक कि एग्जिट पोल की बात करें तो हमने पिछले कुछ समय से देखा है कि लगभग ये सही रहते हैं। बाकी हमने कुछ देखा कि हम हिमाचल का चुनाव का ले या फिर गुजरात का ले तो कई बार थोड़ी डिस्क्रिपेंसी भी आई, थोड़ा अंतर भी आया, परंतु इतना अधिक अंतर आने की अभी गुंजाइश नहीं है, और लगभग ये सेटल है कि मोदी सरकार बनने वाली है। उसका एक मुख्य कारण है कि मोदी सरकार ने सीट टू सीट, एक सेंट्रलाइज्ड पार्टी होने के बावजूद भी सीट टू सीट एक अच्छा मज चुनाव लड़ा, परंतु जब आप कांग्रेस की तरफ या इंडिया गठबंधन की तरफ देखते हैं तो उन्होंने एक सेंट्रलाइज चुनाव तो लड़ा, परंतु सीट बाय सीट वो इतने मजबूत नहीं लड़ पाए। इवन अगर हमारे मेरठ की बात करें तो मेरठ से दोनों एक क्लोज कंपटीशन है, एक बहुत मजबूत कंपटीशन हो रहा है, यहां से देखते हैं कि क्या परिणाम रहता है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी एग्जिट पोल में दिखाया गया कि सूपड़ा साफ हो रहा है एक तरह से विपक्ष का, तो आपको क्या लगता है कि जो है उत्तर प्रदेश में जिस तरह से एग्जिट पोल प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि 71 सीट तक आ सकती है एनडीए की, तो निश्चित तौर पर एग्जिट पोल ही एग्जिट पोल साबित होने वाले हैं, और जो मुद्दे थे जिन मुद्दों के लेकर बीजेपी और एनडीए जनता के बीच में गई, वो मुद्दे जनता के दिल में घर कर गए? जी बिल्कुल, एग्जिट पोल हर बार कारगर साबित हुआ है, और हमारा तो यह है कि जो भी सरकार बने उसमें जैसे हम छात्र, जैसे भाई साहब ने कहा है कि सबसे बड़ा मुद्दा हमारे लिए रोजगार का है, तो सबसे कोई भी सरकार बने हमें उससे यही उम्मीद है कि हमारा ये मुद्दा हल करें। और आप क्या कहेंगे, एग्जिट पोल ही एग्जैक्ट पोल साबित होने वाले हैं, 4 जून को परिणाम आएंगे, और बीजेपी लगातार ये नारा लगाती रही 4 जून 400 पार, और अब 4 जून की तारीख बस आई गई, चंद घंटे शेष रह गए। 400 पार तो नहीं, 300 पार तो पहले से ही सजेस्ट है। अच्छा, हाँ 300 पार तो हो गई होगा। और मोदी सरकार? हाँ मोदी सरकार तो आ ही रही है, वो तो पहले से ही आ रही है। तो आप लोगों ने क्या तैयारी की है 4 तारीख के लिए, जब सरकार बन जाएगी नई सरकार? तो लोगों को भी उमेश काफी सरकार तो पहले से काफी ज्यादा एक्साइटेड नजर आ रहे हैं, हालांकि कहते हैं कि जब रिजल्ट आता है तो नेताओं के दिल की धड़कन बढ़ जाती है, लेकिन इंडियंस की भी कह सकते हैं एक तरह से हार्ट बीट बढ़ी हुई है, क्योंकि इंतजार है सभी को कि आखिर किसकी सरकार बनेगी। लेकिन जो एग्जिट पोल है उसमें बीजेपी एनडीए को बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है, सिर्फ बीजेपी अपने दम पर ही सरकार बना ले जा रही है। अब चलिए झांसी चलते हैं, झांसी से अश्विनी मिश्रा हमारे साथ में जुड़ गए हैं। अश्विनी, कई सारे मुद्दे विपक्षी पार्टियों की तरफ से भुनाने की कोशिश की गई थी, महंगाई, बढ़ती बेरोजगारी, किसानों का मुद्दा, इसके अलावा अग्निवीर योजना, लेकिन अब जो एग्जिट पोल है उसको देखकर लगता है कि जो विपक्ष के मुद्दे थे उनको एक बार फिर से जनता ने नकार दिया है। हाँ बिल्कुल, जिस तरीके से न्यूज 18 का जो मेगा एग्जिट पोल सामने आया है उससे को देखने के बाद कम से कम ये लगता है कि जिस तरह के इंडिया गठबंधन ने मुद्दे उठाए, महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, तमाम मुद्दे उठाए, उन सबको जनता ने सिरे से नकार दिया है। अगर यही एग्जिट पोल परिणाम में तब्दील होते हैं तो कहीं ना कहीं लगातार तीसरी बार बुंदेलखंड में भाजपा क्लीन स्वीप की स्थिति में होगी। हमारे साथ बुंदेलखंड के कुछ लोग बैठे हैं जो एग्जिट पोल के बाद परिणाम आने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, और उनसे हम जानते हैं कि क्या ये एग्जिट पोल परिणामों में तब्दील होंगे या फिर कोई बदलाव की अभी भी संभावना है। हम आपसे इतना जानना चाहते हैं, जो कल एग्जिट पोल आया, लगभग सभी जो बड़े बड़े चैनल एग्जिट पोल दिया उसमें बड़ी सफलता मिल रही है भाजपा गठबंधन को, और भाजपा को अकेले बहुत मिल रहा है, तो क्या लगता है कि ये जो एग्जिट पोल है परिणाम में तब्दील होने की उम्मीद है? हाँ उम्मीद तो दिख रही है कि मतलब 370 तो लगभग उम्मीद दिख रही है कि 370 तो वोट मिल जाएंगे। आप क्या कहोगे कि जिस तरीके से न्यूज 18 ने दिखाया कि 61 सीटें अकेले यूपी में भाजपा को मिल रही है, तो क्या ये एग्जिट पोल न्यूज 18 का सही साबित हो 4 तारीख को? मुझे तो लग रहा है 72 में लगी फिर, क्यों इसमें को और कोई सरकार ने कुछ करा नहीं है। यहाँ पे देख लो पूरा कितना बढ़िया हो गया, रोड भी चमचमा रही, सब कर रही, महंगाई है तो सबके लिए है, वो तो ऐसे ही है बस, इस वजह से बीजेपी फिर पक्की आ रही झांसी से।
एक बात आप बताइए, जिस तरीके से अखिलेश और राहुल ने एक मुहिम छेड़ी कि महंगाई है, बेरोजगारी है, तमाम और मुद्दे हैं, भ्रष्टाचार है, क्या इन मुद्दों को एग्जिट पोल के हिसाब से जो जनता बुंदेलखंड की उसने दरकिनार कर दिया है, या अभी भी कुछ आपको बदलाव की संभावना लगती है? मेरे ख्याल तो नहीं लगती है, भाजपा ही आएगी। क्या कहोगे भाई साहब, आप बताइए। इन लोगों ने करा क्या है, अखिलेश ने और राहुल गांधी ने, इनकी सीट तो जीवन में नहीं आएगी झांसी से। और बीजेपी सरकार जो है पूरे अपने पूर्ण बहुमत में आएगी।